हेलो गाइस, 16 दूनी 22। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग? तो जी पीछे भगत जी को देख सकते हैं आप, दांत दिखा रहे हैं। तो दोस्तों आज काफी ठंडा मौसम है, थोड़ा बादल लग गए थे मॉर्निंग से ही, तो हमने आग भी जलाई आज सुबह सुबह। बूबू को ठंडा लगने लग गया था तो काफी अच्छा। अभी थोड़ा हल्की सी धूप आ गई बाहर, हल्की सी बहुत, ना के बराबर धूप है। और भगत जी आप देख सकते हैं पीछे से वीडियो में आ रहे हैं धीरे धीरे। भगत जी काफी शर्माते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो दोस्तों भगत जी ने आज बहुत मेहनत करी, आग जलाई। आग जलाने में भगत जी की हालत खराब हो गई, अभी आपको दिखाएंगे आगे। तो और आपको हम आज और एक बेहतरीन चीज दिखाने वाले हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि जो हमारा बागेश्वर है, जहां पर उत्तरायणी का मेला लगता है, वहां पर क्या था कि हेलीकॉप्टर व्यू दिखाएंगे आपको, कि हेलीकॉप्टर से हमारा बागेश्वर कैसा दिखता है, और बागेश्वर से जो जहां पर मेला लगता है वो वाला एरिया कैसा दिखता है, वो आपको दिखाने वाला है। आपको बहुत मजा आने वाला है वीडियो में, तो आप बने रहिए वीडियो में और मजा लीजिए। बागेश्वर का जो व्यू है, हेलीकॉप्टर व्यू है, उसका मजा लीजिए। और जो चैनल पे नए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक आप एंजॉय कीजिए बागेश्वर का हेलीकॉप्टर व्यू। तो दोस्तों आपको बागेश्वर का जो हेलीकॉप्टर व्यू कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और हमारे भगत जी कैसे शर्माते, कैसे हंसते, कहाँ गए भगत जी? ये भगत जी की मुस्कान आपको कैसी लगी ये भी जरूर बताएं। ये देखिए, जब भगत जी अपने बगल वाला दांत दिखाते हैं ना, मुस्कान वाला, तो इनकी मुस्कान कैसी लगी ये भी जरूर बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लेना है। क्या है यार, एक बटन तो दबाना है यार, सब्सक्राइब कर लो यार, क्यों परेशान कर रहे हो यार इतना? ठीक है, ज्यादा परेशान नहीं होना है और सब्सक्राइब कर देना है। फिर मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।